नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेडीमिक्स कंक्रीट के बारे में, रेडीमिक्स कंक्रीट क्या होता है और कैसे उसकी कास्टिंग होती है। तो बेसिकली ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एस चौधरी ने इस टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट किया था, तो ये रहा वो वीडियो। और आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही रिक्वेस्टेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनने वाले हैं, वैसे ही एक सीरीज आपको देखने को मिलती रहेगी। तो आप मुझे अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। व्हाट इज रेडीमिक्स कंक्रीट? रेडीमिक्स कंक्रीट क्या होता है, ये हम सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। रेडीमिक्स कंक्रीट दैट इज RMC, इट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ सीमेंट फैक्ट्री और स्पेशली नोइंग एज अ बैचिंग प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ए गिवन सेट ऑफ प्रोपोर्शन एंड देन इट इज डिलीवर्ड टू द वर्क साइट। तो रेडीमिक्स कंक्रीट RMC प्लांट मतलब कंक्रीट को कास्ट बनाने की एक टेक्निक है, जहां पर हम सीमेंट फैक्ट्रीज में डायरेक्टली कंक्रीट बनाते हैं या फिर जो बैचिंग प्लांट्स होते हैं वहां पर हम कंक्रीट बनाते हैं। बैचिंग प्लांट्स में हम जो रॉ मटेरियल के प्रोपोर्शन है वो प्रिसाइसली काउंट कर सकते हैं, और जिससे वजह से जो कंक्रीट हमें मिलता है वो मोर स्ट्रेंथ मिलती है उस कंक्रीट में। उसके बाद में उस कंक्रीट को हम डिलीवर करते हैं बाय यूजिंग द ट्रक्स जिसके ऊपर मिक्सर को माउंट किया जाता है। इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। बाद में देखते हैं हम प्रोसेस क्या है रेडीमिक्स कंक्रीट को बनाने के लिए। तो उससे पहले एक चीज आप याद रख लीजिए, जो फैक्ट्री थी फर्स्ट रेडीमिक्स कंक्रीट की वो सन 1913 में फर्स्ट फैक्ट्री बनी थी रेडीमिक्स कंक्रीट की। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले रेडीमिक्स कंक्रीट हैज कंसिस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर अदर केमिकल्स विच आर वेट बैच्ड एट अ सेंट्रली लोकेटेड प्लांट एंड देन कंक्रीट इज डिलीवर्ड टू द कंस्ट्रक्शन साइट इन अ ट्रांजिट मिक्सर्स एंड इट कैन बी यूज स्ट्रेट अवे विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं की जाती, कास्टिंग के बाद डायरेक्टली वो यूजेबल यूज करने के लिए सेंड किया जाता है। और जो नंबर ऑफ इन्ग्रीडियंट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं वो टोटली लेबोरेटरी में टेस्टेड होते हैं, तो वहाँ पर हमें स्ट्रेंथ जो मिलती है वो हमें पहले ही पता होती है कि हमें कितनी स्ट्रेंथ निकालनी है, उसके हिसाब से हम एडमिक्सचर्स वहां पर यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है रेडीमिक्स कंक्रीट के। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है रेडीमिक्स कंक्रीट रिड्यूस द लेबर कॉस्ट एंड साइट सुपरवाइजेशन कॉस्ट। यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर्स कम लगते हैं और बाद में जो सुपरवाइजेशन का वर्क है वहां पर वो कम हो जाता है, सुपरवाइजेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो वहां पर हमारा कॉस्ट सेव हो जाता है। देन रेडीमिक्स कंक्रीट कम्स विद द कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी थ्रू एक्यूरेट एंड कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल ऑफ सैंड एग्रीगेट एंड वाटर एज पर द मिक्सर। तो यहाँ पर टोटली कंप्यूटराइज टेक्निक होती है, तो जिसके वजह से जो सैंड सीमेंट सेट एग्रीगेट वाटर की जो क्वांटिटी है एज पर द मिक्सर वहां पर हमें मिल जाती है, जिसके वजह से कॉन्क्रीट मोर ड्यूरेबल और स्ट्रेंथन मिलता है हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस इज प्रोडक्शन ऑफ द रेडीमिक्स कंक्रीट हेल्प्स इन द मिनिमाइजिंग सीमेंट वेस्टेज ड्यू टू द बल्क हैंडलिंग। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बल्क हैंडलिंग, बहुत सारे सीमेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं RMC प्लांट पर, जिसकी वजह से सीमेंट के जो वेस्टेज है वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। देन प्रोडक्शन ऑफ द RMC इज रिलेवेंटली लेस पॉसिबल, अनदर एडवांटेज। यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम होता है इस तरह के प्लांट्स में कंपेयर टू अदर। नाउ रिड्यूस द प्रोजेक्ट टाइम रिजल्टिंग इन द सेविंग ऑल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो टाइम होता है इस तरह के कास्टिंग से वजह से रिड्यूस हो जाता है। देन प्रॉपर कंट्रोल एंड इकोनॉमी इन द यूज ऑफ रॉ मटेरियल रिजल्टिंग इन अ सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेस हम सेव कर पाते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेडीमिक्स कंक्रीट। रेडीमिक्स कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट डिसएडवांटेज है द मटेरियल्स आर बैच्ड एट अ सेंट्रल प्लांट एंड द मिक्सिंग बिगिंस इट दैट वेरीज, सो द ट्रैवलिंग फ्रॉम द प्लांट टू द साइट ऑफ द साइट इज द क्रिटिकल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। समटाइम्स
it is far away and which can be reached, that ready-mix concrete may become usable due to the setting. तो यहाँ पर जो कंक्रीट हम कास्ट करते हैं ready-mix RMC प्लांट में, वो वहाँ से लेकर हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाने वक्त जो ट्रैवलिंग का पीरियड होता है, वो ट्रैवलिंग का पीरियड अगर लंबा होगा तो कंक्रीट सेट होने लग जाएगा, जिसके वजह से कंक्रीट अनयूजेबल बन जाएगा, कंक्रीट अनयूजेबल बन जाएगा। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है रेडीमिक्स कंक्रीट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ पर ही इस तरह का कंक्रीट का हम यूज़ करेंगे, अगर आरएमसी प्लांट हमारे पास रहा तो। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज, इट विल जनरली एडिशनल रोड ट्रैफिक, जनरली रेडी मिक्स ट्रक्स आर लार्ज इन द साइज एंड मेक ओवर लॉट ऑफ एरिया इन द रोड ब्लॉकिंग ऑन अदर ट्रैफिक। तो यहाँ पर जो कंक्रीट को ट्रैवल करने के लिए हम मिक्सर्स यूज करते हैं, जो ट्रक्स होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम आती है और रोड ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कंक्रीट सेट होने भी लगता है अगर ट्रैफिक में वो अटक जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस फॉर द रेडीमिक्स कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट इज लिमिटेड टाइम स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, मिक्सिंग की जो प्रोसीजर, मिक्सिंग एंड द क्यूरिंग मींस दैट रेडीमिक्स शुड बी प्लेस्ड विद इन 210 मिनट्स ऑफ द बैचिंग एट द प्लांट। मॉडर्न एडमिक्सर कैन बी मॉडिफाइड दैट द टाइम स्पेन प्रिसाइसली, हाउएवर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ द एडमिक्सर एडेड टू द मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो मिक्सिंग के बाद जो क्यूरिंग की प्रोसेस होती है, मिक्सिंग से लेकर कॉन्क्रीट को पोर करने के बाद क्यूरिंग की प्रोसेस होती है, उसके बीच में ये टोटल टाइमिंग 210 मिनट के बीच होना चाहिए। मतलब मिक्सिंग के बाद क्यूरिंग की प्रोसेस 210 मिनट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए हमारी, क्यों शुरू हो जाना चाहिए क्यूरिंग की प्रोसेस। उससे अगर एक्सीड कर जाती है तो वहाँ पर हमें क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रैवलिंग के वजह से लेट हो गया तो वहाँ पर हमें वो चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग डिस्टेंस अवॉइड करेंगे। तो ये था इस टॉपिक में के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद। सकूं मुझे द्वार है सांखों।